बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नवीद अख्तर रहीम यार खान से मलिक एग्री गोल्ड एंड फिश फार्म की तरफ से आप सबको दिल से सलाम पेश करते हैं। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो है नसरपुरी प्याज, जो अक्टूबर में काश्त हुआ था, अक्टूबर 2020 में। अब उसकी हारवेस्टिंग हो रही है। तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल मलिक एग्री गोल्ड एंड फिश फार्म को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये जी देखते हैं हम, ये प्याज जो है अक्टूबर 2020 में काश्त हुआ था। आप देख सकते हैं एटलीस्ट इसका जो वज़न है कम अज़ कम 300 से 400 ग्राम तक इसका वज़न है। ये प्याज आप देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फार्मर हमारे ने बहुत इस पर मेहनत की है। ये देख सकते हैं आप कितना साइज़ बना है प्याज का, माशाल्लाह इनकी बहुत मेहनत है। नसरपुरी ये प्याज है और इसकी एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एवरेज है, 300 मन तकरीबन, 300 से 400 मन फी एकड़ इसकी एवरेज आ जाती है। देख सकते हैं कितना मोटा प्याज है। अभी जो ये हार्वेस्टर है, देख सकते हैं उन्होंने सिंध से ये पनीरी मंगवाई थी नसरपुरी प्याज की, पनीरी जो कि एक एकड़ की 25 से 30 हज़ार की है, कहते हैं कि पनीरी इसकी आ गई थी। इसमें बाकी एक्सपेंसिव भी होते हैं। देखने वाली बात जो है वो प्याज का साइज़ है, माशाल्लाह ये देखें जिस तरह छोटा एक कद्दू होता है इतना प्याज है, माशाल्लाह देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा फसल है। एक एकड़ की क्रॉप है, अभी फसल तैयार है, इसका हार्वेस्टिंग हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। साइज़ चेक करें जी, माशाल्लाह इसका साइज़ देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं साइज़ इसका। हमेशा ऐसी फसल काश्त करें जिसकी एवरेज ज़्यादा हो। ये अक्टूबर में इन्होंने फसल लगाई थी, अब मार्च की 9 तारीख है आज, देख सकते हैं कितना अच्छा साइज़ बना हुआ है इसका। तो ग्रेस भी ठीक है, मुनासिब रेट चल रहा है, 2 से 2.5 लाख का, 2.5 लाख का तकरीबन ये प्याज अब निकलेगा। देख रहे हैं भाई, ये देख रहे हैं आप प्याज का साइज, तकरीबन तकरीबन इसका आधा किलो साइज है। अरे भाई कम है भाई, ये अभी छोटे हैं, इससे भी बड़े साइज इसमें थे। चाचा कदन काश्त के तावे राधा कदन आवे तावे को तावे मैंने राधा आवे जी हां, ते 300 मन निकल से एकड़ जी हां, 300 मन निकल 300 होते ते रेट क्या चल रहा है चाचा? रेट तो देओ पहले 60-70 चलता रह गए, हुन तो कोई हालात मंदे धड़ी धड़ी किवे है, धड़ी धड़ी और 150 रुपए उसमें। अच्छा अच्छा, 30 रुपए किलो, 1200 रुपए मन बिकता है तकरीबन। अगर 1200 से भी हम हिसाब बनाते हैं, साइज देखें तो 3,60,000 इनका एक एकड़ का बनता है, जो कि सिर्फ जनवरी फरवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीनों में इनकी जो फसल है 3,60,000 निकलेगी। खर्चा कितना चाचा? खर्चा कुछ का नहीं था, 40,000 खर्चा पनीरी। मेरा भिरावा मैं तो यार पनीरी समय हां मैं तो कुछ था जे महीना चढ़ के उतरे जान, महीना उतरे चढ़ गए आए जो ना जाने सूख के बस, सूख के वसल से ये महीना पहले पड़ी गया। प्याज का अंकल कह रहे हैं कि वज़न इसका कम हो गया है, महीना पहले हमने तोड़ना था, किसी वजह से लेट हो गई। अच्छा बस वजह ही है बयान ना वो कुछ। पनीरी चौका खर्चा चाचा सिंध करवा दिया है पनीरी? जी जी सिंध दी, सिंध दी पनीरी नसरपुरी है जी जी, नसरपुरी वसल है, नसरपुरी ये प्याज है, हैदराबाद हैदराबाद की वैरायटी है, ये पंजाब में भी होता है, पंजाब में काश्त है, होता है भाई। ये साइज देखें आधा किलो साइज माशाल्लाह बना रहे हैं। अभी इसमें गुंजाइश है, हाली मेहनत करवा था बड़ा थे वे ना चाचा? मेहनत कोई शायद नहीं दिखी, थोड़ी कितनी है वे? हां बस नवे कितनी स्प्रे कितने वे 300 से स्प्रे के जाने 3.5 बोरिया खाद देन डीएपी पाती आवे यार को क्या है 3.5 बोरिया यूरिया पाती आवे हां हां अमोनियम सल्फेट पाती आवे जी जी डीएपी इन्होंने लगाई एक बोरी अमोनियम सल्फेट लगाई यूरिया लगाई थी और पनीरी लाए थे सिंध से। टोटल खर्चा कितना चाचा? 40-45 हज़ार खर्चा है इसका, 45 हज़ार कह नहीं पूरा 45 हज़ार तकरीबन ये कह रहे हैं खर्चा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये फसल इनका तकरीबन 3,60,000 तक पहुँच रहा है, यानी 3 लाख रुपए इनकम सिर्फ 5 महीनों में। ये मेहनत की बात है। अच्छा चाचा, पांच लाख था पहले, आता एक महीना पहले अगर तोड़ते तो ये 5 लाख का मेरे तजर्बे से नहीं खड़े ना, मैं इनको पहले पटो सही। और चंगी रोजी आवे से चाचा? रोजी तो है माशाल्लाह, चंगी रोजी है, रोजी है माशाल्लाह से। साइज देखो, चेक करें ये साइज घास का, और भी मोटा मोटा बीना तोड़ लिया, भेज दिया मंडी में। देखिये इस तरह के हम नाजरीन को इस तरह मशवरा देंगे कि ऐसे वजन करने वाली वैरायटी लगाएं। ये देखें प्याज, आधा किलो प्याज है, कुछ नहीं है वजन, प्याज ज्यादा लोग चुन के उठा के ले गए हैं लोग। देखें प्याज ये माशाल्लाह। तो अगले साल इंशाल्लाह हम खुद भी एक एकड़ लगाएंगे, अभी थोड़ा लगाया था एक एकड़ जुलाई में, ये तकरीबन जुलाई के बाद लगता है इसको हम लगाएंगे। क्या कहते हैं आदर, तो कोठी बढ़ाने था कह रहा हूँ बंदे तो जितनी आगो जमीन। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जमींदार फसल के उत्ते फीटी भी थी सकती है, वे नाल मेरे जी थी सकती है, ये वाला डब्बा वाला बात ही हो। चलो माशाल्लाह चाचा, शुक्रिया।